हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल बैरागी। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कीबोर्ड्स के बारे में, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद जो डेस्कटॉप ओपन होता है उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं। डेस्कटॉप में सबसे पहले ये जो आपके सामने बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, इन बॉक्स को हम आइकन्स बोलते हैं। ये सारे आपके आइकन हैं। आइकन के बाद ये जो नीचे आपकी जो बार होती है इसे टास्क बार बोलते हैं। और टास्क बार का मतलब ये होता है, अगर आप कोई भी फंक्शन या कोई भी फाइल या कोई सॉफ्टवेयर आपका ऑन है, आप उस सॉफ्टवेयर पे कुछ काम कर रहे हो और उसको आपको वो जो आपको मौजूद बताएगा अगर आप इस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो तो वो बताएगा आपके टास्क बार पर। जैसे मैंने कोई फाइल ओपन कर दी, जैसे मैंने ये फाइल ओपन कर दी, अब इसको मेरे को मिनिमाइज करना है, यानी मैंने इसे मिनिमाइज कर दिया तो ये शोर करेगी टास्क बार पर। ये देखो, ये मेरी फाइल जो शोर कर रही है, ये टास्क बार पर क्या कर रही है, शोर कर रही है। जानकारी देगा कि आपने एक फाइल और ओपन कर रखी है। जैसे मैंने दो फाइल यहाँ पर ऑन कर रखी है, एक तो ये सॉफ्टवेयर और एक है ये फाइल। अब इस बार पर आपके जो कोने में होता है ये होता है आपके स्टार्ट, इसको हम ऑन करेंगे तो इसके अंदर भी कुछ आइकन्स होते हैं और ये इसे बोलते हैं स्टार्ट मेन्यू। इसी के अंदर आपके सिस्टम को शट डाउन करने का ऑप्शन भी होता है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये सबसे पहले आएगा लॉग ऑफ, लॉक, स्टार्ट, रीस्टार्ट। यानी कि आपको सिस्टम को बंद करके रिटर्न स्टार्ट करना हो तो रीस्टार्ट का फंक्शन ऑन कर दीजिए। होल प्रोग्राम, यानी कि आपके सारे जो फंक्शन है वो इसमें ऑन हो जाएंगे। होल प्रोग्राम के बाद आता है आपका अब चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग। इस पर क्लिक करोगे आप और यहाँ पर चेंज डेट एंड टाइम, तो मैंने यहाँ 18 तारीख ले ली। 18 तारीख के बाद यहाँ पर मैंने समय ले सॉरी 1 बजे का समय ले लिया। 1 बजे का समय लेने के बाद मैंने यहाँ पर ओके किया और यहाँ पर भी ओके किया। देखो यहाँ पर 1:19 यहाँ पर बता रहा है और तारीख बता रहा है 18 तारीख। अब इसके बाद नेक्स्ट होता है कि वाईफाई का, यानी कि आप वाईफाई का ऑप्शन आता है। आपके मोबाइल से आपके सिस्टम के अंदर नेट कनेक्ट करना हो तो वाईफाई के ज़रिए आप नेट कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने मेरे फ़ोन के अंदर से हॉटस्पॉट ऑन कर दिया। यहाँ पर मैं वाईफाई पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने वाईफाई का ऑप्शन ऑन हो गया और ये मेरा डिवाइस का नाम, इसको मैं कनेक्ट कर दूँगा तो मेरा जो इंटरनेट क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा और ये कनेक्ट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके स्पीकर का कि आपके जो सिस्टम की जो वॉल्यूम है, आपके सिस्टम की जो वॉल्यूम है वो कम या अधिक करने के लिए यूज़ में ली जाती है। इसके अंदर आपका मिक्सर आ जाता है। इसमें ये बताता है कि जैसे आपके सिस्टम की मेन आवाज़ जो कम करनी है, स्पीकर की आवाज़ कम करनी है या आपके सिस्टम की आवाज़ कम करनी है, या ये लास्ट ऑप्शन जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसका है, इसको मैं लेने देता हूँ। और भी कई फीचर्स में ऑन है जैसे इसमें है। अब बात कर लेते हैं हम इन आइकन्स की। जैसे माय कंप्यूटर हुआ, रिसाइकल बिन हुई, न्यू फोल्डर है। अब ये जो न्यू फोल्डर है, रिसाइकल बिन है, ये वर्ड, एमएस वर्ड है, इन आइकन को डेस्कटॉप पे कैसे लाते हैं, तो हमें सबसे पहले जाना होगा आपके स्टार्ट में होल प्रोग्राम के अंदर एमएस वर्ड में हमें देख रहा होगा ये, आप देख सकते हो पावर पॉइंट पर राइट क्लिक करने पर सेंड टू डेस्कटॉप पे क्लिक करोगे तो आपका सेंड टू डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद आपका जो पावर पॉइंट है वो डेस्कटॉप पे आ गया। अब इस फाइल का मेरे को किसी भी फाइल को रीनेम करना है, यानी नेम जो है चेंज करना है, तो आप F2 की सहायता से उसे रीनेम कर सकते हो। जैसे मैंने चैनल का नाम लिख दिया नालंदा, यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये सेव हो जाएगा। जैसे ये सेव हो गई, अब इस फाइल को मेरे को डिलीट करना है तो राइट क्लिक किया और ये जो डिलीट का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करोगे तो मैंने यहाँ पर यस कर दिया तो ये कहाँ पर चला गया, आप कहाँ चला गया, रिसाइकल बिन के अंदर। जैसे मैंने इस रिसाइकल बिन को ऑन किया तो आप देख सकते हो ये जो आपके नालंदा के नाम से फाइल थी ये आपके रिसाइकल बिन में आ गई। अब मैंने इसको राइट क्लिक किया, अब मेरे को इस फाइल की ज़रूरत है तो मैं राइट क्लिक करके या तो रिस्टोर कर सकता हूँ, यानी कि जहाँ से मैंने डिलीट की थी वहीं पर रिटर्न चली जाएगी, कट कर सकता हूँ यानी यहाँ से कट करके मैंने कहीं और भी इसे पेस्ट कर सकता हूँ या डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ से भी डिलीट करने के बाद आपको ये फाइल कहीं नहीं मिलेगी। और प्रॉपर्टी, इसकी मैं प्रॉपर्टी देख सकता हूँ तो फिलहाल के लिए मैं इसे रिस्टोर कर देता हूँ। तो यहाँ से हट के ये मेरी फाइल वापस कहाँ आ गई, डेस्कटॉप पर।
अब इसी फाइल मेरे को एक और बनानी है, यानी कि अब डेस्कटॉप के अंदर राइट क्लिक, अब बात कर लेते हैं राइट क्लिक की। व्यू फर्स्ट होता है आपका, व्यू से आपके जो आइकन है ये छोटे और बड़े होते हैं, जैसे मैंने इस मीडियम पे कर दिया तो ये मीडियम साइज हो गई। अब इन आइकन को सिस्टमेटिक करना है तो राइट क्लिक करके, यहाँ पर मैंने राइट क्लिक करके शॉर्ट बाय पे क्लिक किया और ये नेम वाला, इस नेम वाले फंक्शंस पे मैंने क्लिक किया तो मेरे जो आइकन है सारे सिस्टमेटिक क्या हो गए, ऐड हो गए। अब राइट क्लिक करने के बाद देखोगे, अब राइट क्लिक करने के बाद रिफ्रेश का ऑप्शन आता है। रिफ्रेश का ऑप्शन वहाँ यूज़ किया जाता है जैसे आपने कुछ समय तक आप अपने सिस्टम का यूज़ कर रहे हो और आपका सिस्टम हैंग होने लग गया है, यानी कि जब आपने शुरू में स्टार्ट किया था, फर्स्ट टाइम जब आपने आपका सिस्टम स्टार्ट किया था और तब आपका सिस्टम काफ़ी आसानी से रन कर रहा था, लेकिन आप कुछ समय बाद देखोगे तो आपका सिस्टम हैंग होने लग जाता है। उस कंडीशन में आप राइट क्लिक करके रिफ्रेश करके आपका सिस्टम पहले जैसे रन करा सकते हो। राइट क्लिक के बाद रिफ्रेश के बाद आता है पेस्ट, यानी मैंने एक फाइल है इसको कॉपी किया है नालंदा, तो मैंने कॉपी किया, राइट क्लिक किया और यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब मैंने इसको पेस्ट किया, राइट क्लिक करके मैंने इसको पेस्ट कर दिया तो ये सेम एक फाइल और अटैच हो गई। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, ये मैंने डिलीट कर दी। अब वापस रिसाइकल बिन में चले गए। अब मेरे को सेम एक ऐसी फाइल एक और चाहिए, यानी कि सेम ऐसी की ऐसी, अब डिलीट कर दी। अब मेरे को वापस लाना है तो आप देख सकते हो राइट क्लिक के बाद इसमें अंडू का ऑप्शन आ रहा है, अंडू डिलीट। मैंने रिटर्न अंडू डिलीट पर क्लिक किया तो वापस मेरी फाइल जो है आ गई। इसकी शॉर्टकट की भी बता रहा था कंट्रोल जेड। अब नेक्स्ट देख सकते हो उसके बाद न्यू फाइल का, यानी कि आपको एक फाइल और ऐसी अटैच करनी है तो आप न्यू फाइल पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक फाइल और ऐड हो जाएगी। जैसे मैंने इसका नाम कुछ भी रख देता हूँ, जैसे ABC इसका नाम रख दिया। अब इसके बाद आता है, अब नेक्स्ट बारी आती है आपके डेस्कटॉप का जो बैकग्राउंड है वो चेंज करना है, तो आपको राइट क्लिक करके लास्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से जैसे मैंने इसका बैकग्राउंड ले लिया ये वाला, जैसे मैंने मेरा बैकग्राउंड ले लिया विंडोज 7 का ये आइकन है, इसको लेने के बाद इस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूँ तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो क्या हो गया, चेंज हो गया, यानी वॉलपेपर जो है चेंज हो गया। थैंक यू सो मच।